माचिस चलाएंगे, ताजा ताजा माचिस। जल जा, जल की नहीं रही, बोलता आकेश वो आ रहा है। ये देखें भी मैजिक होने लगा, मैजिक। ये देखे 1 2 3 गाइस गाइस, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो जरा मैं प्यार से बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी मजा आए। अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन फैमिली, वेलकम बैक टू MSVLOG। तो गाइस, आज का ब्लॉग हो रहा है बहुत ही स्पेशल, क्यों? क्योंकि आज मैं बनाने जा रहा हूँ पैटी बर्गर। शाबाश। तो गाइस, इसके लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स तैयार किए हैं, चले आए पहले आपको हम दिखाते हैं। तो गाइस, ये है हमारे बर्गर्स, साथ हमने कटिंग की हुई है टमाटो, और साथ हमारे प्याज, और ये मायोनीज है और केचप है, ये हमने साथ रखा हुआ है। तो गाइस, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं, चले चलते हैं बर्गर बनाने की तरफ। अच्छा, पहले अब हम स्टार्ट करेंगे, अच्छा अपना फ्राई पैन के साथ करें हम, ठीक है जी। फ्राई पैन पहले हम चूल्हा ऑन कर लेते हैं। फ्लेम ऑन करो, आप भी बोलो ना, बोलते रहो, फ्लेम ऑन करो, ठीक है। अच्छा, अब हम माचिस चलाएंगे, ताजा ताजा माचिस। जल जा, जल की नहीं रही, बोला था आकेश वो आ रहा है। ये देखें भी मैजिक होने लगा, मैजिक। ये देखे 1 2 3 गाइस गाइस, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो जरा मैं प्यार से बना रहा हूँ, ठीक है, अच्छा, ताकि आप लोगों को भी मजा आए। अच्छा, तो अब स्टार्ट करने लगे, ऑयल डाले हम, बर्गर पैटी निकालो। अच्छा, वो बाद में निकालेंगे, ठीक है, बर्गर पैटी भी बाद में निकालेंगे, पहले बर्गर तो तल लें। अच्छा, तो गाइस अभी मैं इसमें ऑयल डालने लगूं, कितना ऑयल डालेंगे? चलो ठीक है। अच्छा जी, अभी हम ये बर्गर लेंगे, देखें प्यारे प्यारे मेरी तरह के बर्गर है, ठीक है। अच्छा, वन बाय वन करना है, मेरी आप ही कह रही है, आप हाँ, मेरे तो हाथ जल रहे हैं, कम करो, मेरे तो हाथ जलने लग गए हैं, फिर कम करो, ठीक है, काफी है, ठीक है। हाँ, सारों को लगाए, इसको भी लगाओ, तुम इसको नीचे उतारो, चलो नीचे उतारो, नीचे उतारो, नीचे उतारो, चलो ठीक है। अब ये प्याज डालो, चले ठीक है गाइस, अब हम प्याज डालने लगे हैं। ये देखिए, ये हल्की सी आंच पे हमने प्याज फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। अच्छा, अब आप ही मुझे बताइएगा इसको कितना देर फ्राई करना है, कितनी देर फ्राई करूं इसको? थोड़ा सा लाइट, काफी है, इसको फ्राई पैन को ऐसे ऐसे करो। अच्छा, आप ठीक है? गाइस, ये फिर ऐसा ऐसा फ्राई हो रहे हैं, देखें फिर भाई की कुकिंग कैसी लग रही है आपको, जबरदस्त है ना? बंद करो हाथ जोड़ के, मैं यार ये मैं नया नया बनाऊ ना, इससे मुझे आता नहीं है। ऐसे मैं तो कहता हूँ व्लॉग कमाल हो जाना है, सारे फैन हो जाएंगे, आप लोग भी सीखें बनाना, देखे कितना पसीना आने लग गया, पता लग रहा है कि काम कैसे होते हैं। ये ले जी, मजे हो गए, नया नया कुक कब बन रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को भी जिसने बर्गर खाना है ना मुझे बता दे, पहले पहले बुकिंग करवा ले, बेइज्जती ना कर देना मेरी कितनी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब हम डालने लगे हैं इसके अंदर। हाय हाय, मजे आ रहे हैं, पानी तो नहीं आ रहा आप लोगों के मुंह में, आ रहा होगा मुंह में, पता है आज आपका भाई शेफ शास कुकिंग कर रहा है। अच्छा, अब आप क्या करना है? अब इसको उस तरफ रखो, प्याज, ये टमाटर तो नहीं करते? अच्छा अच्छा, काफी हो गया, इसको रखो, इसको रखो, अच्छा इसको इधर रखो, ऑयल डालो, ऑयल डाले, ओके जी। गाइस, ये ऑयल जाने लगा है, ये बताइए कितना ऑयल डाला, काफी है, ऑयल भी डाल चुका है हमारा। अब हाँ जी, अब हम बनाने जा रहे हैं ब्रांडेड पैटी। चल झूठा, अभी मैं निकालूंगा फ्रिज से पैटी,
जी गाइस, ये आ गई हमारी पैटीज। आधी हम खा चुके थे, आधी हमने रखी हुई थी। जाहिर ही एक टाइम में सारी तो खाई जा सकती। ये देख, ये गाइस हमारी पैटी अलहमदुल्ला से हो गई बनके तैयार, माशाल्लाह। अब मैं डालने लगू इसको प्लेट के ऊपर। मुझे तो बहुत मजेदार लग रही है, मुंह में इस टाइम पानी भी आ रहा है, भूख बहुत जोरों की लगी हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको भी ऐसी भूख लगी होगी, लेकिन फिलहाल हम एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम। चले गाइस, पैटी मैंने रख दी है साइड पे। अच्छा तो गाइस, ये हमारा तकरीबन मेकिंग सब कुछ तैयार हो चुका है। अब हमारी बर्गर बनाने की तैयारी शुरू हो रही है असल वाली, ठीक है। तो ये मैं मायोनीज लगाने लगाऊ, आज ही मैं खरीद के लाऊंगी। ये देखें, ठीक है गाइस, ये देखें। और ये डालने लगे हैं दो अदरक टमाटर, ठीक है। अब हम इसमें डालने लगे हैं अपनी प्यारी सी पैटी। ये हमारी पैटी इनके भी ऐड हो चुकी है। चिली केचप इसमें डाली जाएगी, ये देखिए। ये मैं तो कह रहा हूँ मुंह में पानी आ रहा है बाबा। बात तो सही है, थैंक यू सो मच। अब दोबारा से इस पे हम डालेंगे यम्स केचप। ये जा रही यम मायोनीज। अभी हम बस जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन करेंगे, थोड़ी थोड़ी डालेंगे। तो गाइस हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब इसको हम डबल रोल करेंगे और इसको मजे से हम खाएंगे। तो गाइस आए चलते हैं, इसको डबल रोल करते हैं। गाइस ये मेरा होने जा रहा है फास्ट 4-1। तो गाइस फाइनली आपके भाई ने बना लिया है बर्गर, मजेदार बर्गर बना है। अभी मैं फिलहाल खाने लगा हूँ। गाइस पहले मैं अपने हाथों, गाइस अभी हम निकालने लगे हैं इसमें से चिल को, मजे आ जाएंगे। ये देखें, चेक करें हमारी जबरदस्त प्रेजेंटेशन। गाइस आपका भाई पहली बार चखने जा रहा है, बताता है कितने मजे का बना है। मजेदार। मुझे उम्मीद है आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। सो सैड मैं अभी आपको नहीं खिला सकता, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी खिलाऊंगा। पहले अपनी बाइट खा ले। हाँ मैं सेवन सरप्राइज पी। ओह माय गॉड, मजा ही आ गया जी। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आपकी तरफ से मुझे व्यूज नहीं मिले, व्यूज आने चाहिए। तू है कौन रे? ये ब्लॉग मैंने बहुत मेहनत से बनाया, देखे पसीने छूट गए हैं। तो गाइस फिर मिलेंगे अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज़।